हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है मूंग की दाल की खस्ता मटरी। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये बनाई जाती है। थैंक यू। ये हमने आधी कटोरी या आधा कप, आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी ली है और ये आधी कटोरी मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है, उसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करके मैंने उसका पानी निकाल दिया। तो अब हमने इसको मिक्सी में पीस लेंगे। कजार ले लिया हमने और इसमें ये हम दाल डाल देंगे। ये 2 मैंने हरी मिर्च ली है, वो मैं इसमें काटूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिक्सी का जार बंद करके हम पीस लेंगे। देखिए अभी हमारा पेस्ट बन गया है। अब मैंने जो कटोरी में दाल ली थी, वही कटोरी से मैंने 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। तो ये सूजी इसमें हम डाल देंगे। जो हमने मूंग की दाल पीसी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच हम अजवाइन लेंगे और उसको हाथ से मसल के डाल देंगे। कसूरी मेथी लेंगे और इसको भी हम मिसल के डाल देंगे। नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, वो आधी चम्मच डालेंगे, हींग डालेंगे, इसमें हम 1 मीडियम साइज की चम्मच वो हम 2 चम्मच डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। देखिए इस तरह का हमारा आटा चाहिए। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, गेहूं का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें हम ये तेल डालेंगे और आप घी भी डाल सकते हैं और इसका हम साटा बनाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, अब हमारा आटा भी सेट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। इस तरह से लंबा करके हम लोइयां काट देंगे। आटा रख देंगे और इसको हम बेल देंगे। देखिए इतना मैंने मोटा रखा है, ना ज्यादा पतला रखा है ना ही मैंने ज्यादा मोटा रखा। अब इसके ऊपर हम ये साटा लगा देंगे, चारों तरफ हम लगा देंगे। अब इसके ऊपर ये आटा छिड़क देंगे। आप मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मैंने तो गेहूं का आटा लिया है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब इसको इतने इतने में 1-1 इंच के करीब हम काट लेंगे।
ये इस तरह का है तो उसको हम सीधा करेंगे और हाथ से दबा के इस तरह पतला करके और हम रख देंगे। देखिए इस तरह से पतला करके, जिससे ये सब परत अपनी दिखेगी। मैंने एक पैन ले लिया है और उसको उसमें मैंने तेल डाल दिया था पहले से ही, वो मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये डाल देंगे मटरियां। ये देखिए अब मेरे ये सिक चुके हैं और सुनहरी कलर आ गया। अब हम इसको नीचे निकाल देंगे। अब मेरी मूंग की दाल की खस्ता मठिया बनके तैयार हो गई है और आप इसे जरूर बनाइए, खाइए और देखिए कितनी अच्छी तरह से परत वाली बनी है। तो आप इसे जरूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।